गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट द न्यू पोम ऑफ द यूनिट 7, अ काइट, एक पतंग. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई. आई ऑफन मतलब कभी अक्सर, मैं अक्सर बैठता हूँ और इच्छा करता हूँ, विश करता हूँ कि आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, कि मैं एक आसमान में उड़ता हुआ एक पतंग होता. एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो, और हवा के ऊपर बैठकर उसके ऊपर जाता. विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, कि जिस तरफ भी फूंक मार के, मतलब फूंक पड़ती, हवा का झोंका आता और मैं उस तरफ मौका मिलने पर कहीं पर भी उड़ता हुआ जाता. जैसे पतंग होती है, जिस तरफ हवा का झोंका होता है वो उसी तरफ मूव करती है, उसी तरह से बच्चा चाहता है कि वो भी एक पतंग होता ताकि वो भी हवा के साथ उड़ सकता और जिस दिशा में हवा जाती है उस दिशा में वो जा पाता. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो. So you will read and write the poem in your notebook. Next, new words. Blow मतलब होता है फूंक मारना. फूंक मारना. Okay? So blow the candle. Candle को फूंक मारो. Next, breeze. Breeze मतलब होता है हवा, धीमी हवा. ओके, धीमी हवा. सो ब्रीज इज, आई कैन फील द ब्रीज ऑन माय फेस. ब्रीज इज ब्यूटिफुल. चांस्ड, मौका. ओके, इफ आई विल गिव मी अ चांस, आई गॉट चांस्ड टू प्ले, मुझे मौका मिला खेलने का. नेक्स्ट, काइट, पतंग. आई वॉन्ट टू फ्लाई काइट, आई हैव अ कलरफुल काइट. नेक्स्ट, सिट, बैठना. प्लीज सिट, आई वॉन्ट टू सिट. सो यू विल राइट डाउन न्यू वर्ड्स ऑल्सो इन योर नोटबुक. आई कैन फ्लाई अ काइट, आई लव टू सिट अंडर अ ट्री. नेक्स्ट, रीडिंग इज फन. वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी. सो चाइल्ड क्या बनना चाहता है, तो आप लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. बच्चा जो है वो काइट बनना चाहता है, पतंग बनना चाहता है. द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज. बच्चा जो है वो ब्रीज के साथ क्या करना चाहता है. द चाइल्ड विशेस टू गो द चाइल्ड wishes to go up with the breeze. The child wishes to go up with the breeze. बच्चा जो है वो ऊपर हवा के साथ जाना चाहता है. So we'll write down reading is fun also in your notebook. Next is let's talk. What would you like to be? आप क्या बनना चाहते हैं, सो आपको खुद बताना है. Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. मान लो कि आप एक चिड़िया हैं, ठीक है, और आपके पास जब आप उड़ रहे हैं तो एक पतंग उड़ रही है, तो आप कैसा फील करेंगे. सो आप ये डिस्कस कर लेंगे अपने पेरेंट्स से. नेक्स्ट इज से अलाउड, ज़ोर से पढ़ना है. ब्राइड, काइट, राइड, साइड, sky, cart, chance, dance, fast, part. Do you know more words with these sounds? आपको इन साउंड से क्या नए वर्ड्स जानते हैं, जैसे fast का होगा last, bride,
का साइड, तो आपको इनके राइमिंग वर्ड सोचने हैं। सो ये भी आपके डिस्कस करने के लिए और ज़ोर से पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट इज लेट शेयर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। आपको बताना है कि आसमान में क्या क्या चीज़ें उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन, ग्लाइडर्स, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स, काइट्स, तो आपको ये सब, पैराशूट। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास पर होते, पंख होते, तो आप कहाँ उड़ते। ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न, आपको ट्रेस जो पैटर्न दिया है इसके ऊपर पेंसिल चलानी है, ठीक है। तो आपको ये बुक में ही करना है और इसको सिर्फ डिस्कस करना है अपने घर में। रीडिंग इज़ फन एंड न्यू वर्ड्स एंड पोम आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट, यूज़ द पिक्चर क्लू टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्काई, डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो, कलर द पिक्चर्स। आपको डे स्काई बनाना है तो डे स्काई में सन दिखता है, ठीक है, और आपको रेनबो दिख सकता है, तो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ बनाएंगे। नाइट स्काई में आपको मून और स्टार्स दिखते हैं, तो आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसे कलर करना है और ड्रॉ करना है। डे वाले में सन और रेनबो, और नाइट स्काई वाले में मून और स्टार्स। यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज सन, सेकेंड है रेनबो, थर्ड जो है वो है मून, फोर्थ है स्टार्स एंड फिफ्थ है क्लाउड। तो आपको ये भी बुक में ही करना है और ये वाला काम भी आपको बुक में ही करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। यू विल ट्रेस दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन द बुक। ये आपको सिर्फ लेट्स टॉक से अलाउड ये जो है और लेट्स शेयर वाला जो है ये सिर्फ आपको डिस्कस करना है। रीडिंग इस वन नोटबुक में लिखना है, न्यू वर्ड्स नोटबुक में लिखने और पोम नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।